और सीधे अब आपको मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े। टेम्पलेट बदले हुए, क्या असर इसका देखने को मिला है, लोग क्या कह रहे हैं? आसपास के पूरे इलाके में हम तमाम श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार, देखिए कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, उसकी यात्रा हो या फिर कांवड़ की यात्रा हो, क्योंकि कांवड़ की यात्रा अभी एक दो साल से या तीन साल से नहीं, सदियों से लगातार ये यात्रा होती आई है और इसकी पवित्रता को बरकरार, भोजन तैयार हो रहा है तो वो ये इस बात को नहीं समझ पाते थे। अब क्योंकि जब जी दिमाग में क्या दुकान का नाम इतना महत्वपूर्ण होगा, बिल्कुल देखिए हमारे साथ तमाम कांवड़िए हैं जो जल भर के आसा ढाबा है, ये फैसला कितना सही मानते हैं सरकार? बिल्कुल सही है, सही है। पहले दिक्कत होती थी, अब कोई भय नहीं, अब कैसे भी आओ। पहले बताया जाता था खाना लहसुन प्याज वाला का है। सर क्या कहेंगे आप इस तरीके से रेस्टोरेंट ढाबों पर अब नाम लिखे हुए हैं, सरकार ने एक बड़ा फैसला? पहली बार ही आया हूँ लेकिन मेरे को माहौल बहुत अच्छा लगा, पहले बताया बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान के चश्मे से इसे देखना ठीक है क्या जी? इस सब कवायद को सरकार के मुस्लिम के तौर पर देखा जाना चाहिए? हिंदू अपना मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे, इसको उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बिल्कुल, तो ये माहौल इन्हें सही लग रहा है, ये पहली बार कांवर लेके आए। आप यदि आसपास कुछ दुकानदारों से बात करना चाहें कि बोर्ड लग, बिल्कुल आस्था उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार से जल लेकर देखिए तमाम कांवर के लिए। ये तस्वीर देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीर है शिव चौक से, कितनी श्रद्धालु जो कांवड़िए हैं वो बड़ी तरह से जोश में है। जहाँ तक आपने स्थानीय लोगों का सवाल, गुजर से क्या कहेंगे, हरिद्वार से जल लेकर के आए, कैसा लग रहा है इस बार यात्रा? चलिए देखिए, तो ये बता रहे हैं देखिए, और जो ये दुकानदारों की बात है, आइए दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं वो वहां पर की गई है। भाई साहब देखिए दुकानदारों से बात करते हैं, यहां पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर किस तरीके से देख रहे हैं इस बार की आप कांवड़ यात्रा को, दुकानों पर जो है नेम प्लेट लगाने के लिए सरकार ने कहा है, कितना ये फैसला सही मानते हैं? सही है, बिल्कुल 100% सही है, सही है, लगाना जरूरी है। इससे दुकानों की आर्थिकी पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, तो कोई फर्क नहीं, ये हर आदमी की पहचान जरूरी है। नेम प्लेट लगाओ, उसको नीचे उसका नाम लिखा जावे, रही से जगह जो भी ठेकेदार हो, मुसलमान हो हिंदू, अपना नाम लिखे, ये सही है। इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन ये लड़ाई करवाने वाली बात है, जबरदस्ती, ये जबरदस्ती लड़ाई करवाने वाली बात है। देखिए ये बता रही है आस्था, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तमाम जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। लेकिन आप एक तस्वीर हम दिखाएंगे, कैमरामैन से कहें ये तस्वीर लगातार आपको दिखाते रहें, किस तरीके से यहाँ पर जो भाई साहब हमारे साथ है, भाई साहब किस तरीके से कांवड़ यात्रा लगातार चल रही है, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के लिए सरकार ने कहा है, इस फैसले को कितना सही मानते हैं? भाई साहब कुछ नहीं, आप कितना सही मानते हैं? सही है, वो बिल्कुल सही है। आप पहले देखते थे कोई भी दुकान होती थी, उसके बाहर पहले फर्म का नाम लिखा होता था, नीचे लिखा होता था प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर नाम पहले से लिखा रहता था ना, अब कोई नई चीज उड़ाई है तो उसमें क्या क्या गलत है? आप कहीं भी अभी क्या हुआ, पिछले 5-7 साल से लोगों ने लिखना बंद किया है, और जीएसटी में भी भाई जीएसटी में भी तो ये कन्फर्म करते हैं कि मालिक कौन है, ये तो पता होना चाहिए ना, इसमें एंगल तो कुछ नहीं है। देखिए आस्था आप सुन रही है कि तमाम जो देखिए ये श्रद्धालु यहाँ पर, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क के किनारे किस तरीके से जो तमाम कांवड़िए हैं उन्होंने अपनी कांवड़ को यहाँ पर रखा हुआ है, जल लेकर के यहाँ पर आए हैं। सर हमारे साथ हैं, सर जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकल रही है और योगी जी, सरकार जी, बिल्कुल, ने कहा कि जो आप बातचीत जारी रखेंगे अनुपम और